किस डायरेक्टर ने माना प्रशांत नील को अपना गुरु? राजमौली और प्रशांत के बाद अब कौन से डायरेक्टर है मल्टी लैंग्वेज ब्लॉकबस्टर हिट की राह पर चलने को तैयार? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। कन्नड़ सुपरस्टार यश के अपकमिंग केजीएफ चैप्टर 2 की सब राह देख रहे हैं। फिल्म को लेकर इस एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा श्रेय जाता है पिछली कहानी की इंटेंसिटी और सक्सेस को, जिसमें रॉकी नाम का एक अनंत गरीब बच्चा खूंखार विलन गरुड़ा के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देता है। जहां पिछली कहानी में रॉकी का कोलार गोल्ड फील्ड्स तक का सफर दिखाया गया था, तो वहीं इस बार रॉकी की सक्सेस और उसके नाम के खौफ पर फोकस किया जाएगा। ये भी पता चलेगा कि अधीरा, रमिका और विजेंद्र इल्लागी सोने को पाने के इस शतरंज में किस सौदे पर है प्यादा या राजा। इस फिल्म में तो ऑलरेडी दर्शकों को सीट से चिपकाए रखने की एबिलिटी है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि जल्द ही हमें ऐसी एक और फिल्म देखने को मिल सकती है तो जी हाँ, इसके बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फिल्मों को यूं दो भागों में बांटना अक्सर ही मेकर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहा है। अगर आप पहली फिल्म में ऑडियंस को पकड़ के रख पाए हैं और लास्ट में ऐसा क्लिफहैंगर छोड़ते हैं कि ऑडियंस वापस थिएटर जाने पर मजबूर हो जाए, तो आपकी फिल्म की सक्सेस पक्की है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एसएस राजामौली की सुपर डुपर हिट बाहुबली सीरीज, जिसने फैंस को कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा सवाल के साथ अलविदा कह दिया, जिसका जवाब पाने के लिए फैंस साल भर बेताब रहे और यही बेताबी मेकर्स के लिए भारी मात्रा में बिजनेस करने में हेल्पफुल रही। और अब केजीएफ 2 के लिए भी एक्साइटमेंट का आलम देखकर तो यही लग रहा है कि थिएटर्स में सीट ले पाना भी मुश्किल होगा। तो अब इस ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को अपनाने का फैसला एक और डायरेक्टर ने कर लिया है, सुकुमार, जो जल्द ही अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ अपनी मल्टी लैंग्वेज तेलुगु फिल्म पुष्पा लेकर आने वाले हैं, जो रेड सैंडर ट्रीज की तस्करी पर बेस्ड होगी। और राजामौली और प्रशांत की ही तरह सुकुमार ने भी अपनी कहानी को दो भागों में रिलीज करने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। लगता है केजीएफ की सक्सेसफुल सीरीज फिल्म्स को इंडियन इंडस्ट्री में और पॉपुलर कर देगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, केजीएफ की तरह ही और भी डायलॉगी ट्रायलॉजी फिल्म्स बनाना या फिर कहानी का एक ही फिल्म में खत्म हो जाना आपको ज्यादा भाता है? अगर आप हमारे वीडियो पसंद करते होंगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय उपासना पांडे।